हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो है इंस्टीट्यूट ने जो बिट क्वेश्चंस इशू किए हैं उन बिट क्वेश्चंस पे। पेपर नंबर 6 हमारा जो लॉ एंड एथिक्स है उसके बिट क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टर्म सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दी। देखो, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और सब एजेंट जो है वो किसके बिहाफ पर काम करता है। सब एजेंट किसको बोला बोलते हैं हम, जो एजेंट का एजेंट होता है, जो एजेंट का एजेंट है यानी कि जो किसके अंडर में काम करेगा, ओरिजिनल एजेंट के अंडर में। तो यहां आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय। पहला एंडोर्समेंट कौन करता है? एक्स ने बिल लिखा वाई के नाम, वाई ने साइन करके एक्स को दे दिया, एक्स ही एंडोर्स करेगा, एक्स ट्रांसफर करेगा मान लो ए को। तो पहला एंडोर्समेंट किसने किया? एक्स ने। तो एक्स कौन है? क्या एक्स बैंकर है, क्या एक्स पेई है, एक्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है या फिर एजेंट है? तो देखो, एक्स बैंकर तो नहीं है, एक्स क्या है, वो है जिसे पैसा मिलने वाला है यानी कि पे। आंसर हो जाएगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। अपनी मर्जी से डिसोल्यूशन में नहीं आता, ऐसा कौन सा डिसोल्यूशन है जो अपनी मर्जी से डिसोल्यूशन में नहीं आता, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन में नहीं आता? ऑप्शन नंबर 1 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ये अपनी मर्जी से होता है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कुछ इवेंट की हैपनिंग हो गई जैसे डेथ हो गई पार्टीज की, इंसॉल्वेंसी हो गई, एक को छोड़कर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक को छोड़कर सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई, डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड और कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो, इनमें जो पहला ऑप्शन है आपका एग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन हो जाएगा। देखो, दो तरह के डिसोल्यूशन होते हैं, एक वॉलंटरी डिसोल्यूशन, एक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो पहले वाले में भी वॉलंटरी हो जाएगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें भी आपका वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, थर्ड जो ऑप्शन है किसी पार्टनर के अनसाउंड माइंड होने पर। देखो, एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप, आपको पहले उसे अनसाउंड माइंड प्रूव करना पड़ेगा और वो प्रूव कहां पर होगा, कोर्ट में। तो इस केस में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है, ये आपका वॉलेंट्री डिसोल्यूशन में कवर नहीं होता है। इसके बाद व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने महीने में होना चाहिए आपका व्हाइट वॉश? 14 मंथ, 14 महीने में एक बार कम से कम क्या होना चाहिए आपका, व्हाइट वॉश होना चाहिए। ठीक है, द टर्म फैमिली एज डिफाइंड इन ईएसआई एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड, फैमिली की डेफिनेशन में क्या नहीं आता?
तो फैमिली की जो डेफिनेशन आपको ईएसआई एक्ट में गिवन है, वहां अगर आप देखेंगे तो स्पाउस जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में आती है, चाइल्ड जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में है, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे वो खुद का चाइल्ड हो। अनमैरिड डॉटर जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में आती है। हाँ, मैरिड सिस्टर, सिस्टर जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आती है। हाँ, अगर वो डिपेंडेंट है तो मामला अलग है। यहाँ गिवन है इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर, वो उसके हस्बैंड की फैमिली के डेफिनेशन में कवर होगी, वो इस फैमिली की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मीजर, इनमें से कौन सा सेफ्टी मीजर में आता है? आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, फैंसिंग ऑफ मशीनरी, फर्स्ट एड अप्लायंसेस। देखो, डिफरेंट मीजर्स आपको गिवन है, कौन कौन से मीजर है? ये होते हैं हमारे हेल्थ मीजर्स, सेफ्टी मीजर्स, वेलफेयर मीजर्स, इस तरह से मीजर्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट। तो आपका जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है ये हेल्थ मीजर में आता है, वेंटिलेशन हेल्थ मीजर में आता है, फर्स्ट एड अप्लायंस हेल्थ मीजर में आता है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी ये आपका रिलेटेड है सेफ्टी मीजर से। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द शेयर सर्टिफिकेट शेल बी साइंड बाई। अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के साइन कर देंगे उस पर। इन केस ऑफ ई वोटिंग, नोटिस शेल बी सेंड एज अटैचमेंट इन। ई वोटिंग का अगर मामला है तो हमने देखा था कि ईमेल के थ्रू भी नोटिस भेजा जा सकता है, और ईमेल के थ्रू अगर आपने नोटिस भेजा है तो साथ में पीडीएफ फाइल आपको अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अ डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन अ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर। डायरेक्टर कब अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट कर सकते हैं? इसके लिए प्रोविजन था डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में कि या तो कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर टोटल शेयर होल्डर का 1/10, दोनों में से जो भी कम हो अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उनके बिहाफ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? पहला दिया हुआ है नॉट लेस देन 1,000, 1/10 ऑफ, ये दोनों होने चाहिए, दोनों में से जो भी कम होगा आंसर हो जाएगा आपका सी। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, ये आपका एथिक्स का क्वेश्चन है, सीधा मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मॉरल जजमेंट, एथिक्स हमारी अलग अलग टाइप की होती है, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, उनमें से एक टाइप है मेटा एथिक्स। और मेटा एथिक्स जो है वो किस नेचर से डील करती है? मॉरल जजमेंट से। ठीक है, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह का हो सकता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दी अबव, आइदर ऑफ ए एंड बी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों तरह से ब्रीच हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। आंसर क्या होगा आपका? डी। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है अगर उस दिन ब्रीच हुआ है, एक्चुअल ब्रीच है, उस दिन के पहले ब्रीच हो गया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट टू सेल का फीचर नहीं है? इट इज एन एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटर नहीं है ये है आपका एग्जीक्यूटरी, करेक्शन है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बिल्कुल सही है कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि सेल जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, सेल टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स। सेल जो है वो एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द सेलर कैन स्यू फॉर डैमेज ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर बायर जो है वो बायर सेलर जो है केस कर सकता है डैमेजेस के लिए।
इट गिव्स अ राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू स्यू फॉर डैमेजेस, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सी बात जो है वो एग्रीमेंट टू सेल के लिए नहीं है। तो पहली वाली बात एग्रीमेंट टू सेल के लिए है, दूसरी वाली बात ये स्पेसिफिकली बोल रहा है सेल्स टेक प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग इन स्पेसिफिक गुड्स, ये स्पेसिफिक बात जो है वो सेल के लिए है, इसने स्पेसिफिकली दिया हुआ सेल के लिए। चारों बातें ट्रू है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी बात एग्रीमेंट टू सेल के लिए नहीं है। तो ये तो स्पेसिफिकली सेल के लिए गिवन है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट दिया है, इसमें स्पेसिफिकली पॉइंट लिखा हुआ है द सेलर कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली। अगर बायर एग्रीमेंट टू सेल को तोड़ता है तो सेलर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ऐसा इसलिए बोला कि अगर सेल हो जाती, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती और सामने वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता, ब्रीच कैसे करता कि वो पेमेंट करने से मना कर देता, तो सेलर क्या बन जाता, अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर के केस में इसके पास राइट आ जाता है कौन सा, राइट अगेंस्ट गुड। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ कौन से राइट आते हैं, डैमेजेस क्लेम करने वाले, यानी कि सिर्फ बायर के अगेंस्ट राइट आते हैं। तो आंसर क्या है इसमें, बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट, इनमें से कौन सा ड्राफ्ट का एलिमेंट नहीं है। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, इट कैन नॉट बी countermanded easily, इट इज ओपन टू पर्सन टू स्टॉप पेमेंट, द बैंक अंडरटेक द लाइबिलिटी विच इट इज बाउंड टू डिस्चार्ज इन हूज फेवर द ड्राफ्ट इज इशूड। देखो ये बात कर रहा है डिमांड ड्राफ्ट की, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए अगर बात करें तो ये ऐसे किसी से, ये स्पेसिफिकली जो काम आता है, जैसे हम इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, इंस्टीट्यूट को अगर कोई पेमेंट करना है तो फिर वो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, या फिर किसी कंपनी को पेमेंट करते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, या कि किसी हायर अथॉरिटी को पेमेंट करते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने, मुझे चेक इशू करना है, चेक के बजाय मैंने डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया, वो जनरली होता नहीं है। इसे इजीली एनकैश, इजीली ट्रांसफर नहीं करवाया जा सकता। इट इज ओपन टू द पर्सन टू स्टॉप पेमेंट और द बैंक अंडरटेक्स द लाइबिलिटी विच इट इज बाउंड टू डिस्चार्ज इन हूज फेवर द ड्राफ्ट इज इश्यूड। जिसके फेवर में ड्राफ्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो हमने पेमेंट किया इंस्टीट्यूट को, तो बैंक जो है इंस्टीट्यूट के लिए लाइबिलिटी लेता है कि हाँ हम आपको पेमेंट करेंगे। स्टॉप पेमेंट वाली जो बात होती है वो चेक के केस में होती है कि एक बार आपने चेक इशू कर दिया, आप स्टॉप पेमेंट लगा सकते हो, लेकिन आपने एक बार DD इशू कर दिया फिर आप स्टॉप पेमेंट पे नहीं जा सकते, तो ये आप ड्राफ्ट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। Who may negotiate? Who may negotiate? Drawer, payee, all of joint maker. कौन नेगोशिएट कर सकता है? Drawer negotiate कर सकता है in case of promissory note. Payee negotiate, या फिर check के केस में payee negotiate कर सकता है. All of the joint makers. In case of promissory note, ये तीनों ही negotiate कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं, answer हो जाएगा आपका D. The information memorandum shall be deemed to be a information memorandum को क्या मान लिया जाएगा? Prospectus. पढ़ा था Companies Act में information memorandum विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होता है तब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात होती है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या मान लिया जाएगा आपका? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर शेल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफिस विद इन डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। देखो एक रीजनल डायरेक्टर की वैसे बात कब आती है, जब हम
सेम स्टेट में अपने ऑफिस को किसी दूसरे आरओसी के अंडर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें रीजनल डायरेक्टर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन कितने दिन में रीजनल डायरेक्टर कम्युनिकेट करेगा, वो 30 डेज का टाइम पीरियड उसके लिए, विद इन 30 डेज वो जो है अपनी कंफर्मेशन दे देगा। द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड नॉट मोर देन, प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में 200 लोग होते हैं, 200 लोगों से ज्यादा में नहीं हो सकता। इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन डैश ऑफ द इशूड शेयर ऑफ क्लास डिड नॉट कंसेंट टू द वेरिएशन ऑफ वॉट इन फेवर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिएशन, सच शेयर होल्डर मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड। कितने परसेंट शेयर होल्डर है जो वेरिएशन से अगर वेरिएशन नहीं चाहते, कोई चेंज अगर कर दिया, जैसे प्रॉस्पेक्टस वगैरह में कभी चेंज कर देते हैं, वेरिएशन कर देते हैं, वो वेरिएशन अगर नहीं चाहते हैं तो ट्रिब्यूनल में कितने लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं, 1, 2, 5, 10। तो इसके लिए लॉ ने परसेंटेज दिया है, 10% कम से कम मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो है वो जाएंगे और क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं वेरिएशन को कैंसिल करने के लिए। द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन डैश ऑफ द एग्जिस्टिंग पैड ऑफ शेयर कैपिटल इन अ ईयर। एक साल में मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है एज स्वेट इक्विटी शेयर, कितना इशू कर सकते हैं एक साल में, 15%। इसके लिए एक अलग से लिमिट भी गिवन है, 5 करोड़ दोनों में से जो भी ज्यादा हो, लेकिन अभी यहाँ वैसी वाली लिमिट अपने को नहीं दी है, सिर्फ परसेंटेज दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 15%। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको अलग अलग मोड दिए होते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें से एक मोड होता है आपका डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या कवर है आपका, मर्जर कवर है, इंसॉल्वेंसी कवर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अपने आप में अलग मोड है, ये तो अपने आप में अलग मोड है, बाय द अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, अगर अनऑथराइज कोई चेंज कर दिया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, सी, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ में कवर नहीं होता, ये अलग से मोड है ना। इसके बाद Which one of the following is not the feature of contract of guarantee? इनमें से कौन सा contract of guarantee का feature नहीं है? There are two parties in this contract. बिल्कुल guarantee agreement में guarantee किसको दी जाती है? Surety को, ठीक है? The liability of surety is secondary. लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, पहले लाइबिलिटी किसकी, प्रिंसिपल डेटर की, फिर आता है पिक्चर में श्योरिटी। देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट फॉर विच द श्योरिटी गिव गारंटी टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, और लास्ट ऑप्शन है आपका द श्योरिटी गिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी हो जाती है, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। पहली बात तो ये है, दूसरी बात लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, ये बिल्कुल सही है, पहली लायबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया, देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेब्ट फॉर विच द श्योरिटी गिव गारंटी टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर,
एग्जिस्टिंग डेप्ट की ही गारंटी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कोई नया डेप्ट आप ले रहे हो तो उस टाइम भी गारंटी दी जा सकती है। द श्योरिटी गिव कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके बिहाफ पर, किसके कहने पर, प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर, ये भी ठीक है। अब लेकिन कंफ्यूजन है कि इसमें ये फर्स्ट वाला मामला भी गड़बड़ नजर आ रहा है, थर्ड वाला मामला भी गड़बड़ गड़बड़ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर देना पड़ेगा। उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो एक बार हम सिचुएशन बना रहे हैं कि एक्स प्रिंसिपल डेटर है, वाई जो है वो क्रेडिटर है और ए ने गारंटी दी है। ए ने वाई को गारंटी दी है तो गारंटी एग्रीमेंट जो है वो किसके बीच में हुआ, ए और वाई के बीच में, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। एक्स और ए के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, वो एक अलग एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ए ने अगर पेमेंट किया है तो फिर ए जो है एक्स से रिकवरी कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ दो पार्टीज है और यहाँ स्पेसिफिकली थर्ड प्रोविजन में इन्होंने दिया है कि वो एग्जिस्टिंग डेप्ट होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं है, स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप इंक्लूड नहीं है, ग्रास इंक्लूड नहीं है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, क्या आंसर आना चाहिए। देखो गुड्स में तो स्टॉक भी आता है, ग्रोइंग क्रॉप भी आती है, ग्रास भी आती है, तो इनमें से तीनों ही आपके आंसर में नहीं आएंगे। ऐसा मत समझना कि ना तो ए स्टॉक है, ना बी स्टॉक है, ना सी स्टॉक है, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आंसर में तीनों नहीं आएंगे। यानी कि ये तीनों किसकी डेफिनेशन में आते हैं, गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। नेक्स्ट, नो फीमेल चाइल्ड शेल बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन। क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन कंफ्यूज मत होना, बीच में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, आंसर सोच समझ के देना है। खाली ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि फीमेल चाइल्ड काम नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन आर्स, यानी कि ऐसे आर्स आपको बताने हैं जिनमें वो काम कर सकती है, ऐसे कौन से आर्स है जिनमें वो काम कर सकती है। 8 AM and 7 PM, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वो काम कर सकती है। ठीक है, इसके बाद द बोनस शेयर मे बी इशूड आउट ऑफ, बोनस शेयर कहां से इशू किए जा सकते हैं, फ्री रिजर्व से हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हो सकते हैं, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस शेयर इशू नहीं होते हैं, ये हमने स्पेसिफिकली देखा था। आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दी अबव। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बिफोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉक्सी का जो डिटेल है, प्रॉक्सी का जो डॉक्यूमेंट, आप प्रॉक्सी का जो फॉर्म मिलता है वो फॉर्म आपको मीटिंग से कितने टाइम पहले तक जमा करा देना है, Within 48 hours, 48 घंटे, बेचारे तैयारी वगैरह भी करेंगे तो उस हिसाब से 48 hours का टाइम इन्होंने आपको दिया है। द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन एल एल पी शैल, तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, दो पार्टनर, तो मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कितने, दो। आंसर क्या, बी। एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल रिटायर बाय रोटेशन। हर एजीएम में कितने डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये क्या होंगे आपके, रिटायर बाई रोटेशन। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी कितने, 1, 2, 3। पब्लिक कंपनी के केस में क्या लिमिट थी, मिनिमम 3 डायरेक्टर और 7 मेंबर्स, ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद दिस इज नॉट वन ऑफ सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ में क्या क्या आता है, याद करो, इंटीग्रिटी आता है, बिल्कुल आता है जी,
ऑनेस्टी आता है, बिल्कुल आता है। कंटेंट, ये तो हमने नहीं सुना उसमें, सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ में। अकाउंटेबिलिटी आता है, क्या नहीं आता? कंटेंट नहीं आता, आंसर यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनविटेशन फॉर ऑफर, इनमें से कौन सा इनविटेशन फॉर ऑफर है या फिर इनविटेशन टू एन ऑफर है? अ टेंडर टू सप्लाई एट अ सर्टेन टाइम, अ टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन टाइम। टेंडर, देखो मैंने क्या बोला, टेंडर इंफॉर्मेशन जो है वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। टेंडर जो है वो क्या है आपका, टेंडर आता है आपका ऑफर में, ठीक है, तो ये ऑफर है। रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, ये भी एक ऑफर है, मुझे लोन दीजिए। सामने वाला रेडी होगा तो हाँ करेगा, नहीं होगा तो ना करेगा। बिड इन एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन की इंफॉर्मेशन एक ऑफर है, और उसमें जो बिड हम लगा रहे हैं वो क्या है, सॉरी, ऑक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो इनविटेशन टू एन ऑफर है, उसमें जो बिड हम लगा रहे हैं वो क्या है, ऑफर है, ठीक है, तो ये भी ऑफर है। अ कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल, गुड्स के कैटलॉग, कैटलॉग किसमें आता है? कैटलॉग में अलग अलग तरह के डिजाइन, अब हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उस कैटलॉग को देखकर हम ऑफर करेंगे, तो कैटलॉग क्या हुआ, इनविटेशन टू एन ऑफर। आंसर क्या होगा आपका, डी। वेयर सेलर डिलीवर्स टू द गुड टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द बायर, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था उससे कम क्वांटिटी सप्लाई की है सेलर ने, यानी कि रॉन्ग क्वांटिटी में गुड सप्लाई कर दिया, तो सेलर क्या कर सकता है, उनको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसा कंप्लीट जैसा हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मैं रिजेक्ट देम, शुड नॉट रिजेक्ट देम, नहीं कर सकता है। मैं रीसेल देम, नहीं। गिव लेस प्राइस फॉर देम, नहीं। रिजेक्ट कर सकता है, पूरी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, और फिर उसे कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, वो क्या होता है, ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन में आता है ये, जो फैक्ट्री को संभालता है, सारी चीजें देखता है, वो कौन होता है, ऑक्यूपायर। अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा उसको पेमेंट कर देंगे, तो सिर्फ कैसे नेगोशिएट हो सकता है ये, डिलीवरी से। कैसे नेगोशिएट हो सकता है, डिलीवरी से, डिलीवरी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ वाई एंड जेड बाय सर्टेन शेयर्स इन हिज नेम आउट ऑफ पार्टनरशिप मनी, पार्टनरशिप के पैसे में से बिना वाई और जेड की कंसेंट के वो क्या कर सकता है, क्या करता है, कुछ शेयर्स खरीद लेता है। डी शेयर विल कॉन्स्टिट्यूट, शेयर क्या होता है एक्चुअल में, शेयर खरीदे यानी कि इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट, तो क्या वो पार्टनरशिप लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप नेटवर्थ है, पार्टनरशिप कैपिटल है, तो आंसर क्या होगा आपका, पार्टनरशिप एसेट यानी कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्योंकि ए पार्टनर ने अगर कोई काम किया है तो वो ऐसा माना जाता है जैसे फर्म ने किया है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन को रोकती है क्या बिजनेस एथिक्स, पब्लिसिटी को रोकती है क्या, मोनोपोली को रोकती है क्या, सेल्फ इंटरेस्ट, किसे रोकने के लिए बिजनेस एथिक्स बनाई है इन चारों में से? बिजनेस एथिक्स का मोटिव क्या है, कस्टमर को फायदा हो, हम कस्टमर के फेवर की बात करें, अपना प्रॉफिट कमाते हुए, तो ये मोनोपोली क्रिएट करने पर रोक लगाने की बात करती है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स हैज अ यूनिवर्सल नेचुरल प्रैक्टिकल फिजिकल, देखो बिजनेस एथिक्स हर जगह अप्लाई होती है, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है,
अकाउंटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड प्री कंसेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड प्री कंसेंट. एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज. देखो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, डायग्राम याद आ रहा होगा आपको, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन क्या बनेगा, एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. आंसर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. नेक्स्ट, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर टू लिविंग लाइफ टू पीस. देखो जो एथिक्स में बात होती है वो होती है वैल्यूज की, ठीक है, तो वैल्यूज पे ही ये एथिक्स हमारा जो है वो डिपेंड करता है. तो आंसर होगा हमारा ए. द प्रोविजन रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप, ये स्पेसिफिकली जब हम पढ़ते हैं वहां भी बार बार बोलते हैं कि भाई जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मिनिमम नंबर उसी में बताए हैं. मैक्सिमम नंबर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल चुप है, इसके बारे में बताया है कंपनीज एक्ट में, ठीक है. X एंड Y एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन इक्वल शेयर. X और Y जो है प्रॉफिट्स को बराबर बांटने के लिए रेडी हुए, बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय X ओनली. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट को हम सब बांटेंगे, लॉस को ए बांटेगा, कोई तकलीफ नहीं है. पार्टनरशिप करते ही किस लिए, प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए. एक बंदा लॉस बांट रहा है कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो सब बांट रहे हैं. आंसर क्या होगा हमारा, लॉफुल. फर्स्ट एड बॉक्सेस और कपबोर्ड इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट एंड नॉट लेस देन वन इन नंबर मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन एवरी फैक्ट्री सो एज टू बी एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स फॉर एवरी. कितने लोगों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, ये प्रोविजन हेल्थ मीजर में मिल जाएगा आपको. 150 वर्कर्स फॉर एनी टाइम, 150 वर्कर्स के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना आपका जरूरी है, ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड टू विच द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज एप्लीकेबल, फिक्सेस द वेज पीरियड ऑफ 36 डेज. यहीं से कहानी पकड़ में आ जानी चाहिए. देखो आपको वेज पीरियड फिक्स कर दिया 36 दिन, सही है क्या. वेज पीरियड 7 दिन हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, फोर्थनाइटली हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता. यू एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, हाउ वुड यू एडवाइज द कंपनी. हम कैसे एडवाइज करेंगे, अब भाई हमको तो एडवाइज करना है कि भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो हमें तो प्रोविजन बताना पड़ेगा उनको. तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द अबव एक्ट ऑफ द कंपनी, ऐसा बोलेंगे क्या कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो. एज पर सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट, नो वेज पीरियड कैन एक्सीड 1 मंथ, सो द कंपनी वुड एडवाइज अकॉर्डिंगली. हम उसको बोलेंगे कि भाई वेज पीरियड किसी भी कंडीशन में 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा. The wage period can be more than 30 days subject to approval of appropriate government. ऐसा कोई provision देखा नहीं था हमने. The company should take permission of inspector of factory. Inspector की यहाँ बात नहीं आएगी, answer होगा आपका B. Wage period जो है वो 1 month से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है. अगला जो question है उसका answer almost सबको आता होगा. When the day on which a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday. जिस दिन maturity है वो क्या है, public holiday है. The instrument shall be deemed to be
ड्यू ऑन द प्रिसीडिंग डे, नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनेस डे, सेम डे ऑफ नेक्स्ट वीक, थर्ड डे फॉलोइंग द हॉलीडे। हमें पहले से पता है कि भाई आने वाली जो मेच्योरिटी डेट है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो भाई एक दिन पहले ही काम निपटा लो। नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनेस डे, जस्ट पहले का एक दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बोनस एक्सेल लिया हुआ। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिसकी एज 15 साल नहीं है, दो प्रोविजन थे इसमें, 100 रुपीज और 8.33% ऑफ सैलरी, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो मिनिमम वेजेस होगी। अब मिनिमम वेजेस, लेकिन वो कब थी, जब 15 साल से ऊपर का हो। अगर 15 साल से कम का है तो उसके लिए 60 रुपीज और 8.33% ऑफ सैलरी, विच एवर इज हायर, ठीक है। एवरी LLP शेल हैव एटलीस्ट, कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अभी जस्ट देखा था क्वेश्चन, रिपीट हो गया, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर। के ऑन्स अ रेजिडेंशियल फ्लैट इन चेन्नई, के का चेन्नई में रेजिडेंशियल फ्लैट है, ही इज एंटाइटल टू क्वाइट पोजिशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड, ए का फ्लैट है और वो उसे एंजॉय कर रहा है, उसका राइट पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है या फिर होल वर्ल्ड के अगेंस्ट है। देखो उसका राइट तो होल वर्ल्ड के अगेंस्ट है, यानी कि यहाँ क्या आएगा आंसर, राइट इन रैम, ठीक है। राइट इन पर्सोनम, जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब तक अलाइव रहते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो राइट आते हैं वो कौन से आते हैं, राइट इन रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सेल्स द गुडविल ऑफ हिज रिटेल स्टोर टू वाई, एक्स ने गुडविल बेच दी फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए में, एंड प्रॉमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सेम बिजनेस फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। देखो एक्स ने अपनी गुडविल बेच दी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट कि आप इंडिया में कहीं भी और कभी भी बिजनेस करोगे, ये प्रोविजन आता है आपका कि सामने वाले को आप बिजनेस करने से क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, और रोक रहे हो मतलब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। हाँ इतनी बाउंडेशन आपके ऊपर लगाई जा सकती है कि आप पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर बिजनेस पर्टिकुलर टाइम तक नहीं करोगे, यानी कि सेम बिजनेस 1 साल तक नहीं करोगे, 6 महीने तक नहीं करोगे, इस तरह की बाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन फॉर एवर के लिए, एनी वेयर के लिए इस तरह की बाउंडेशन नहीं लगती है। तो इस तरह का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट क्लियरली क्या होगा, आपका वॉइड होगा, ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर आर, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने बताया आपको तीन पर्सन होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट है। पहला जो डेटर और क्रेडिटर के बीच में है, एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरा जो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और तीसरा जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर वेर द बायर, एक ही केस होता है जब राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट आपका एक्सरसाइज किया जाता है, जब बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो ही किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, नो वन इज ग्रेटर देन गॉड, कोई भगवान से बड़ा नहीं है, क्या बात है। नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, जो उसके पास नहीं है वो सामने वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। एवरी वन कैन गिव एवरी थिंग, ये भी नहीं है इसका मतलब। एवरी वन इज बाउंड बाई हैबिट, ये भी नहीं, इसका मतलब क्या है, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, जो उसके पास नहीं है वो सामने वाले को
नहीं दे सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपायर कौन है, जो अभी देखा था अपन ने थोड़ी देर पहले, ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसका फैक्ट्री पर अल्टीमेट कंट्रोल है, फैक्ट्री के अफेयर्स पर अल्टीमेट कंट्रोल है, वो आपका क्या है? ऑक्यूपायर है। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? देखो, ए बी सी, अल्टीमेट कंट्रोल एंड अफेयर, ये हो गया आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52, अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज 250 वर्कर, 250 वर्कर, ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कर्स अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज बिलो 15 ईयर वेंट ऑन स्ट्राइक, सब स्ट्राइक पर चले गए, कैन डिडक्ट फाइन फ्रॉम ऑल दी वर्कर्स, कैन नॉट डिडक्ट फाइन फ्रॉम वर्कर्स हु आर अंडर एज ऑफ 15, नो फाइन कैन बी इम्पोज फ्रॉम वर्कर हु आर 60 अबव, कैन नॉट डिडक्ट एनी फाइन फ्रॉम वर्कर्स। बताओ क्या आएगा आंसर इसका? फाइन वाले प्रोविजन में है ये। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फाइन, यहाँ आपका मेंशन है 15 साल से कम का बंदा अगर है तो पर फाइन नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट कौन से एक्ट में आता है? ये सही एक्ट में, और वेजेस का 90% जो है वो उन्हें पे किया जाता है। वर्कर्स विल बी एंटाइटल टू ओवरटाइम वेजेस इफ हैव वर्क्ड फॉर मोर देन, फैक्ट्रीज एक्ट में लिमिट गिवन है आपको, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एक दिन में 8 घंटे कि 9 घंटे, एक दिन में 9 आवर्स इन अ वीक एंड 48 आवर्स, सॉरी 9 आवर्स इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक, तो 48 आवर इन अ वीक से ज्यादा अगर काम किया है तो एंटाइटल होगा ओवरटाइम वेजेस के लिए। आंसर हो जाएगा डी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यूज द रेट ऑफ मिनिमम वेजेस विद इन, कम से कम कितने साल में उनको रिव्यू करना चाहिए? वैसे तो जब वो चाहे तब रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने टाइमली रिव्यू नहीं किया है तो कम से कम 5 साल में एक बार उन्हें रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट का क्वेश्चन है। अंचल परचेज्ड अ मोटर कार फ्रॉम कमल हु हैड नो टाइटल टू इट, यानी कि ऐसे पर्सन से माल खरीद लिया है जिसके खुद के पास टाइटल नहीं है। ठीक है, अंचल यूज्ड द मोटर कार फॉर सेवरल मंथ, उसने कुछ महीने के लिए यूज की। ट्रू ओनर स्पॉटेड द मोटर कार, ट्रू ओनर ने मोटर कार को पहचान लिया एंड डिमांडेड इट फ्रॉम अंचल, इन सच अ केस, इस केस में क्या होगा? अंचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द मोटर कार टू ट्रू ओनर, अंचल इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द मोटर कार टू ट्रू ओनर एज शी हैज पेड इन फुल सेटलमेंट टू कमल, अंचल शेल एडवाइज ट्रू ओनर टू अप्रोच कमल, ट्रू ओनर हैज नो राइट टू क्लेम आइदर फ्रॉम अंचल और फ्रॉम कमल। देखो, ये प्रोविजन में वैसे दो बातें आपकी निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो रूल हमने देखा है, नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डजंट हैव। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कोई वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो उसके पास नहीं है, यानी कि टाइटल जिसके पास नहीं है वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर उसने ऑनरशिप ट्रांसफर की है तो वो गलत है, पहला मामला। तो ठीक है,
उसने ओनरशिप ट्रांसफर की है तो वो गलत है। अब ओनरशिप जिसके पास है वो बंदा आता है और वो मांगता है अपनी ओनरशिप, अपना गुड्स ओनरशिप दिखाता है कि ये मेरा है, तो जिसने वो परचेज किया था उसे वो गुड्स क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। हमने आपको याद आ रहा हो तो इम्प्लाइड कंडीशन होती है एज टू टाइटल कि आप सिर्फ ओनर से ही माल खरीद सकते हो, जिसे माल बेचने का राइट है उससे ही माल खरीदा जा सकता है। हाँ, अंचल की कोई गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं है सेलर से ये पूछने की कि आपके पास ओनरशिप है या नहीं है। लेकिन कल को अगर एक्चुअल ओनर निकल के आता है तो उस सिचुएशन में ये कार को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा और आपके पास एक सिर्फ ऑप्शन बचेगा डैमेजेस क्लेम करने का। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कमल से, ठीक है। इसलिए इंप्लाइड कंडीशन में ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंसर होगा हमारा ए। लेकिन अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए होते इस क्वेश्चन में कि अंचल ने गुड फेथ में माल खरीदा है, इस तरह के वर्ड्स अगर उसमें यूज किए होते तो फिर हम जाते एक अलग प्रोविजन पे जो कि हमारा है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। इसके एक्सेप्शन होते हैं, अगर किसी पार्टी ने नॉन ऑनर से गुड्स गुड फेथ में खरीदा है तो फिर वो गुड्स का ऑनर बन जाएगा, उसकी ऑनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उस केस में क्या होता, हम ये बोल सकते थे कि भाई अंचल जो है वो कमल से बात करे और उसके साथ मामले को सेटल करे, ठीक है। लेकिन इस तरह के वर्ड्स क्या नहीं दिए हुए, तो जनरल क्वेश्चन मानते हुए हमने आंसर दिया क्या ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैगरिंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनमें से कौन सा एग्रीमेंट जो है वो वैगरिंग में आता है। सबसे पहले क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज। स्किल नॉलेज इन्वॉल्व है, जो हमारे क्रॉसवर्ड आते हैं वर्क पहेली वगैरह, ये जीत भी सकते हो हार भी सकते हो लेकिन ये स्किल पे बेस्ड होते हैं, नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, तो ये वैगरिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये तो आपके इंश्योरेंस एग्रीमेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग पर बेस होते हैं, लेकिन ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए प्रॉमिस टू पे बी ₹1000 इफ इट रेन्स ऑन मंडे। मंडे को बारिश आएगी तो मैं तुम्हें ₹1000 दूंगा, ये वैगरिंग हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए एग्री टू पे बी ₹1000 इफ ही मैरिज सी। अगर वो सी से शादी कर लेता है तो ₹1000 दूंगा, नहीं करता है तो कुछ नहीं दूंगा। यानी कि दोनों केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट पे डिपेंड करता है, और थर्ड पार्टी के कंडक्ट पे डिपेंड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस में जाता है आपका, वो जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वैगरिंग एग्रीमेंट कौन सा इनमें से आपका, बारिश वाला मामला। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज डिलीवरी बाय अटोनमेंट। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इनमें से कौन सी डिलीवरी ऐसी है जो डिलीवरी बाय अटोनमेंट है, जो हमने अटॉर्नी देकर सामने वाले को ट्रांसफर की, वैसे एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं की, तो ऐसा तो एक ही केस में होता है। माल जहां था वहीं है, हमने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया है कि माल आज से हमारे बिहाफ पर नहीं है। किसके बिहाफ पर है, बायर के बिहाफ पर। अटॉर्नी किसको दे दी, बायर को। पावर किसको दे दी, बायर को। ऐसी डिलीवरी कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, where the price of goods under a contract of sale is to be fixed by valuation of a third party. देखो, contract of sale में price decide करनी थी third party को,
और थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाना चाहिए? बिना प्राइस के तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया, यानी कि वॉइड हो गया। बट गुड्स आर सप्लाई टू द बायर, लेकिन गुड्स जो है वो बायर को भेज दिया अंडर सेक्शन 10 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द बायर इज लाइबल टू पे द रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स। बायर को प्राइस का पेमेंट करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस का। प्राइस डिसाइड नहीं हुई लेकिन गुड्स उसके पास चला गया है। लाइबल टू पे मिनिमम प्राइस, नॉट लाइबल टू पे एनी प्राइस, लाइबल टू पे द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो, अगर माल सामने वाले के पास चला गया है, सामने वाले ने यूटिलाइज कर दिया है, वैसे तो क्या होता है अगर उसने यूज नहीं किया तो उसे गुड्स रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं कि उसने यूज किया है, अब वो वापस नहीं करना चाह रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो भाई उसको रीजनेबल प्राइस ही पे करनी पड़ेगी, और रीजनेबल प्राइस जो जनरली क्या होती है, मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में चल रही हो वो प्राइस। आंसर हो जाएगा आपका ए। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वेर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बाई टू और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ अ डे, ईच ऑफ सच पीरियड इज कॉल्ड अ। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बार में काम हो रहा है, एक दिन में अलग अलग टाइम पे काम हो रहा है, शिफ्ट में काम हो रहा है, उसको बोला जाता है शिफ्ट। अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट मोर देन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर एम्प्लॉयर ने कोई पेमेंट किया है तो उसके लिए कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकता है? 75% स्पेसिफिक लिमिट थी, इनके अलावा अदर मामलों में 50% तक वो डिडक्ट कर सकता है। अंडर ईएसआई एक्ट, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर। ईएसआई का बेनिफिट उठाने के लिए उसे कितने दिन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है इन्होंने मॉड्यूल में से, इसे याद रख लेना है, मगअप कर लेना है। 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के पीरियड में 78 दिन उसको क्या करना है? कंट्रीब्यूशन करना है। अंकित परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम अनुज, 20,000 रुपए का माल अनुज से अंकित ने खरीदा। इन लियो ऑफ कैश पेमेंट अंकित एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 टू बी पेबल आफ्टर 3 मंथ। बिल लिख दिया 20,000 रुपए के लिए, दिस इज अकोमोडेशन बिल। पहली बात तो ये देखो, क्या ये मदद करने के लिए बिल लिखा है? नहीं लिखा जी, माल खरीदा है, पेमेंट नहीं करना है इसलिए बिल लिखा है। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस बिल तो वो होता है जहां पार्टीज का पता नहीं होता, यहां तो पता है। जिनाइन बिल, रियल बिल, बिल्कुल ये रियल है। डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल में एक डिटेल दी होती है कि साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए हो, इस तरह की डिटेल्स इसमें नहीं है। तो ये किस तरह का बिल है आपका? जिनाइन बिल। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, whether acceptance of a bill of exchange in the following situation shall be treated as qualified acceptance where the acceptor, question ko wapas se padhenge ek bar, under the negotiable instrument act 1881, whether acceptance of a bill of exchange in the following situation shall be treated as qualified acceptance, इनमें से कौन सी qualified acceptance treat की जाएगी? Where the acceptor undertake to pay only 10,000 rupees for a bill drawn for 15,000 rupees, 10,000 रुपए के बदले, 15,000 के बदले में, 15,000 का बिल था, वो बोल रहा है कि मैं 10,000 पे करूंगा, ठीक है, यानी कि उसने कंडीशन तो लगाई है। Declares the payment to be independent of any other event.
राइट एक्सेप्टेड पेबल ऑन एबीसी बैंक, इसमें तो सिर्फ उसने बैंक का नाम लिखा है, एक्सेप्टेड पेबल एट दिल्ली, इसमें भी उसने एक्सेप्टेंस लिखी है, बस ये लिखा है कि ये दिल्ली में पे होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चेंज किस में आया है, कंडीशंस किस में लगी है, पहले वाले मामले में क्या कंडीशन लगी है कि 15,000 रुपए के लिए बिल लिखा था और अब क्या बोल रहा है कि मैं तो 10,000 रुपए पे करूंगा, कंडीशन लगा दी है, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। देखो फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप थी, तब तक तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म बोला, उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू है तो वो किस में बदल जाती है, पार्टनरशिप एट विल में। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, बट ही मे लाइबल फॉर फर्म डेब्ट एज इफ ही वॉज अ पार्टनर, लेकिन वो लाइबल होता है जैसे वो पार्टनर हो। सच पार्टनर इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। देखो नॉमिनल पार्टनर तो पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर ये भी पार्टनर होता है, पार्टनर बाय एस्टोपल, और लास्ट पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली भी पार्टनर होता है, लेकिन पार्टनर बाय एस्टोपल दिखावे का पार्टनर, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है जैसे वो पार्टनर है, तो दुनिया वाले उसे पार्टनर मान लेंगे और उसकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी। कौन सा जाएगा आपका,